हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ह्यूमन करी। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि कैसे हम बना सकते हैं एगलेस वनीला कपकेक, वो भी बिना कंडेंस मिल्क के। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और घर पे मिलने वाली नॉर्मल चीज़ों के साथ बिल्कुल आसानी से बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम हाफ कप के जितना बटर मिल्क लेंगे। बटर मिल्क की जगह आप पतली दही भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। अब इसमें जाएगा 2/3 कप के जितना शुगर पाउडर। ये मैंने नॉर्मल रेगुलर शुगर को मिक्सी में चर्न करके उसका पाउडर बना लिया है, तो आप इजीली ये रेसिपी बना सकते हो घर पे। इसको अच्छे से डिसॉल्व होने तक दही में मिक्स करेंगे। इसमें मैं एक लेमन जेस्ट डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है बट मैं फ्रेशनेस के लिए ऐड कर रही हूँ, मुझे पर्सनली इसका टेस्ट बहुत पसंद है। तो लेमन का येलो वाला छिलका यूज़ करना है, वाइट वाला गलती से भी ना जाए, नहीं तो आपका केक कड़वा हो जाएगा। ये देखिए येलो वाला पोर्शन मैंने यूज़ किया है बस। 1/4 कप के जितना कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल, मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया, आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी ऐसा तेल जिसमें बहुत ज़्यादा कोई फ्लेवर ना हो। 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस, क्योंकि वनीला केक है ये। 1 टीस्पून के जितना ही विनेगर, वाइट विनेगर, क्योंकि एगलेस रेसिपी है तो विनेगर से अच्छा स्पॉन्जी टेक्स्चर रहेगा। ये मैंने 1/4 कप थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, आप गर्म पानी की जगह गर्म दूध भी डाल सकते हैं, इससे केक आपका मॉइस्ट बनेगा। अब हम छानेंगे 1 कप के जितना मैदा, ऑलमोस्ट 120 ग्राम्स, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, अच्छे से 2 बार छान लेंगे। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट मिक्सचर के साथ मिक्स करेंगे। एक बार में नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे 3 से 4 बैचेस में ऐड करना है। पहला वाला बैच आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पहला वाला बैच ऐड करने के बाद बाकी के बैचेस हम काफ़ी लाइट हैंडेड मिक्स करेंगे ताकि वॉल्यूम बने। कर्टन फोल्ड करने के बाद हम इन्हें पेपर मोल्ड्स में फिल करेंगे 2/3 के जितना, क्योंकि ये ऊपर राइस भी होंगे। ये मैं एक आइसक्रीम स्कूपर की मदद से पेपर मोल्स को फिल कर रही हूँ। अब इनको हम 2 बार टैप करेंगे ताकि सरफेस के सारे एयर बबल रिलीज हो जाए। अब एक प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री पे 17-20 मिनट्स के लिए हम इन्हें बेक करेंगे, जब तक चाकू या टूथपिक बाहर क्लीन ना आ जाए। अच्छे से बेक होने के बाद हम इन्हें एक कूलिंग रैक पे ठंडा होने देंगे। ये कपकेक्स पूरी तरीके से नहीं बट थोड़े ठंडे हो चुके हैं, अभी भी थोड़े से गर्म है, बट मैं आपको इनका टेक्सचर दिखाती हूँ अंदर से कि कितने स्पॉन्जी बने हैं ये। ये देखिए केक का ये टेक्सचर है। अब मैं आपको इस केक का टेक्सचर अंदर से दिखाती हूँ, थोड़ा प्रेस करके भी दिखाती हूँ कि कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए है ना, एकदम कॉटन के जैसा। बाकी मैं अंदर से भी दिखाती हूँ, ये बहुत ही मॉइस्ट बना है क्योंकि हमने थोड़ा गर्म पानी ऐड किया था, तो ये सीक्रेट है। तो दोस्तों देर किस बात की, फटाफट अपना बोल और स्पैचुला उठाइए और ये रेसिपी आज ही बनाइए, और कैसी बनी है मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिया हुआ लाल रंग का सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद घंटी वाला साइन प्रेस करें ताकि हर नए वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।